हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आईपीएल 2021 को शुरू होने में लगभग 18 दिन का समय बचा है। ऐसे में दोस्तों, टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से काफी बड़ी बड़ी खबर और अपडेट सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, आरसीबी की टीम के ओवरसीज प्लेयर्स कब भारत आने वाले हैं, इसके ऊपर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आई है। दोस्तों, माइक हैसन ने बता दिया है कि आरसीबी के ओवरसीज प्लेयर्स कब इंडिया आने वाले हैं, जो कि दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग मेरी इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। साथ में गाइस, अगर आप हो आरसीबी की टीम के फैन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की सारी अपडेट आप सभी को मेरे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें आप सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ हेड टू हेड खेल सकते हो। इसको खेलना बहुत ही आसान है। आपको दोनों टीमों में से एक टीम बनानी है, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है। और अभी दोस्तों, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के ओडीआई सीरीज होने वाले हैं, जो कि दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे होने वाले हैं। इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो। अगर दोस्तों आपकी टीम ने वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराया तो गाइस, आपको मिलेगा 5 गुना ज्यादा कैश। साथ में गाइस, आपको वेलकम बोनस के तौर पर 1500 रुपए मिलेंगे और हमारे व्यूअर्स को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। आपके जीते हुए पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तो गाइस, काफी ज्यादा सिक्योर और सेफ ये एप्लीकेशन है। दोस्तों, हाल ही में कई लोगों ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, आप भी जीत सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से गाइस आप माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। दोस्तों, आईपीएल 2021 से पहले आरसीबी की टीम ने काफी बड़े बदलाव करे हैं, जहां पे गाइस, एक तो आरसीबी की टीम से जोशुआ फिलिपे बाहर हो चुके हैं, वहीं गाइस आरसीबी की टीम नई जर्सी भी लॉन्च करने वाली है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट की। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो कि दोस्तों निकल के आई है माइक हैसन को लेकर। दोस्तों, कल माइक हैसन ने एक बहुत ही बड़ी खबर दी है, जहां पे दोस्तों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट करी और जहां पे गाइस उन्होंने लिखा, वी विल प्रोवाइडिंग ए ट्रेनिंग कैंप अपडेट एंड अराइविंग डेट ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स। यानी कि दोस्तों, आरसीबी की टीम जल्दी अनाउंस करने वाली है कि दोस्तों कब आरसीबी की टीम ट्रेनिंग कैंप शुरू करेगी, और साथ में गाइस आरसीबी की टीम के जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो दोस्तों कब भारत आने वाले हैं, ये दोस्तों आरसीबी की टीम बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाली है। अभी तक दोस्तों आरसीबी की टीम का एक भी विदेशी खिलाड़ी भारत नहीं पहुंचा है। ऐसे में दोस्तों, हम सभी को आने वाले कुछ दिनों में पता चलने वाला है कि आरसीबी की टीम के विदेशी खिलाड़ी कब इंडिया पहुंचेंगे। और दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स के माने तो यहां पे आरसीबी की टीम के विदेशी खिलाड़ी मार्च के लास्ट वीक यानी कि मार्च के लास्ट हफ्ते में हम सभी को इंडिया में दिखने वाले हैं। हम सभी को दोस्तों काफी ज्यादा इंतजार है एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल जैसे तगड़े पावर हिटर्स का, कब दोस्तों ये आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे और कब हम सभी को प्रैक्टिस कैंप करते हुए दिखेंगे। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए, आप कौन से खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। अब गाइस, बात करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की दूसरी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों निकल के आई है विराट कोहली को लेकर। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, विराट कोहली ने दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि आईपीएल 2021 में आरसीबी की टीम के लिए वो ओपनिंग करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप सभी को अभी तक नहीं पता तो गाइस, विराट कोहली ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है, जहां पे दोस्तों उनसे पूछा गया कि आईपीएल 2021 में क्या वो आरसीबी की टीम से ओपनिंग करेंगे। और दोस्तों, विराट कोहली का रिप्लाई आया कि जी हाँ दोस्तों, देवदत्त पदिकल के साथ में हम सभी को साल 2021 में विराट कोहली दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। और दोस्तों, अगर विराट कोहली ओपनिंग करते हैं तो आरसीबी की टीम की बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली का जो ओपनिंग में रिकॉर्ड रहा है वो दोस्तों काफी ज्यादा चौंकाने वाला रहा है। दोस्तों, 2016 में विराट कोहली ने ओपनिंग करी थी, जहाँ पे गाइस 2016 के सीजन में इन्होंने 973 रन बनाए थे और जीता था ऑरेंज कैप का खिताब। साथ में गाइस, आरसीबी की टीम 2016 में फाइनल्स तक भी गई थी। तो दोस्तों, एक और बार यानी कि आईपीएल 2021 में आरसीबी की टीम से ओपनिंग करने वाले हैं कप्तान विराट कोहली, और दोस्तों एक और बार हम सभी को ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे दिख सकते हैं आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आरसीबी का टीम का दोस्तों ये डिसीजन है विराट कोहली और देवदत्त पदिकल से ओपनिंग करवाने का, ये दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना। अब गाइस, हम बात करते हैं आरसीबी की टीम की तीसरी बड़ी खबर की। गाइस, ये निकल के आई है आरसीबी की टीम के मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवदीप सैनी को लेकर। तो गाइस, पहले बात करें मोहम्मद अजहरुद्दीन की, तो गाइस मोहम्मद अजहरुद्दीन हम सभी को प्लेइंग 11 में दिखने वाले हैं। इनके बहुत ही ज्यादा चांसेस तो है ही, लेकिन दोस्तों अगर ये ओपनिंग नहीं करते हैं तो आरसीबी की टीम इनको कौन से पोजीशन पे खिलाने वाली है, इसके ऊपर काफी बड़ा सवाल रहने वाला है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मोहम्मद अजहरुद्दीन ओपनिंग तो करते ही हैं, साथ में फिनिशिंग का काम भी करते हैं। तो गाइस, आरसीबी की टीम इनको एज अ फिनिशर खिला सकती है,
और दोस्तों मिडल ऑर्डर में आरसीबी की टीम को एक भारतीय बैट्समैन की जरूरत भी होने वाली है। तो गाइस मोहम्मद अजहरुद्दीन हम सभी को आरसीबी की टीम के मिडल ऑर्डर में दिख सकते हैं और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के बाद हम सभी को आरसीबी की टीम से दिख सकते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। अब गाइस बात करते हैं नवदीप सैनी की। तो गाइस नवदीप सैनी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है जहां पे गाइस नवदीप सैनी ने ज्वाइन कर लिया है आरसीबी की टीम का प्रैक्टिस कैंप। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की 5 T20 मैच खत्म हो चुके हैं जिसके बाद दोस्तों नवदीप सैनी का वनडे स्क्वाड में नाम शामिल नहीं है। तो गाइस आरसीबी की टीम के नवदीप सैनी जो है वो गाइस अब हम सभी को आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस कैंप में दिखने वाले हैं और दोस्तों इस पेसर ने आरसीबी की टीम को भी ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस आरसीबी की टीम के कुछ प्लेयर्स ने तो आरसीबी के स्क्वाड को ज्वाइन किया है, लेकिन वहीं गाइस आरसीबी की टीम के मेन जो खिलाड़ी हैं वो गाइस अभी भी बिजी हैं और दोस्तों जल्द ही स्क्वाड को ज्वाइन करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आज दोस्तों 3 बड़ी खबर निकल के आई जो कि दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो गाइस जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।